आज हम करेंगे कविता आत्मकथ्य के एमसीक्यू। एमसीक्यू मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। इसका हम एक छोटा सा टेस्ट आपसे लेंगे। अगर आप इस कविता को अच्छे से समझ चुके हो, पढ़ चुके हो, तो आज आपको इस टेस्ट में बहुत मजा आने वाला है। और अगर आपने अभी तक इस कविता को नहीं पढ़ा तो इस कविता का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर मिलने वाला है। उस लिंक का नाम रखा है फ्री क्रैश कोर्स फॉर 10th क्लास। इस नाम से आपको एक लिंक मिलेगा, तो वो जरूर देखना। लेकिन अगर आप इस कविता को अच्छे से समझ चुके हो तो आ देखें जरा किसने कितना पढ़ा। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, आत्मकथ्य शीर्षक कविता के कवि का नाम क्या है। बच्चों हर प्रश्न के बाद आपको 5 सेकंड मिलेंगे आंसर देने के लिए। आप अपना आंसर कमेंट करते रहना, एंड में देखना चाहता हूं किसके कितने आंसर ठीक हुए। देखो आत्मकथ्य शीर्षक कविता के कवि का नाम क्या है। आपके ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर ये रहे, ए देव, बी जयशंकर प्रसाद, सी सूरदास, डी तुलसीदास। आपके 5 सेकंड शुरू होंगे अब। 5, 4, 3, 2, 1 जीरो। सही उत्तर है ऑप्शन बी, जयशंकर प्रसाद। चलिए बच्चों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, कवि ने आत्मकथ्य कविता में संसार को क्या कहा है। कवि ने आत्मकथ्य कविता में संसार को क्या कहा है। आपके ऑप्शन ए शाश्वत, बी धनी, सी नश्वर, डी सनातन। 5, 4, 3, 2, 1 जीरो। सही उत्तर है ऑप्शन सी, नश्वर। चलिए बच्चों अगले प्रश्न की तरफ, कवि ने मधुप किसे कहा है। मधुप किसको कहा है ये आपको बताना है। आपके ऑप्शन ए मन को, बी भोरो को, सी धन को, डी आकाश को। 5, 4, 3, 2, 1 जीरो। सही उत्तर है ऑप्शन ए, मन को। चलिए बच्चों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, गागर रीति से कवि का क्या तात्पर्य है। आपके ऑप्शन ऑप्शन ए खाली घड़ा, बी छोटी गागर, सी सुखों से खाली जीवन, डी भरा हुआ घड़ा। 5, 4, 3, 2, 1 जीरो। सही उत्तर है ऑप्शन सी, सुखों से खाली जीवन। चलिए बच्चों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, कवि अपनी आत्मकथा क्यों नहीं लिखना चाहता। कवि अपनी आत्मकथा क्यों नहीं लिखना चाहता। आपके ऑप्शन ए उसके जीवन में सुखी सुख थे, ऑप्शन बी उसके जीवन में केवल दुर्बलताएं थी, सी उसके जीवन में गरीबी थी, और डी उसका जीवन आदर्श था। 5, 4, 3, 2, 1 जीरो। सही उत्तर है ऑप्शन बी, उसके जीवन में केवल दुर्बलताएं थी। चलिए बच्चों अगले प्रश्न की तरफ। छठा प्रश्न, कवि ने मधुर चांदनी रात किसे कहा है। कवि ने मधुर चांदनी रात किसे कहा। आपके ऑप्शन ए अपने जीवन की मीठी यादों को, बी सुहावनी चांदनी रात को, सी आनंददायक रात को, डी जीवन की खुशी को। 5, 4, 3, 2, 1 जीरो। सही उत्तर है ऑप्शन ए, अपने जीवन की मीठी यादों को। चलिए बच्चों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, कवि के द्वारा अपनी आत्मकथा न लिखने का क्या कारण है। आपके ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर, ए उसे आत्मकथा लिखनी नहीं आती, बी वह अपने जीवन के रहस्य दूसरों को नहीं बताना चाहता, सी उसका आत्मकथ्य में विश्वास नहीं, डी वह आत्मकथा में झूठ नहीं बोलना चाहता। 5, 4, 3, 2, 1 जीरो। सही उत्तर है बी, वह अपने जीवन के रहस्य दूसरों को नहीं बताना चाहता। चलिए बच्चों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, खिलखिलाकर हंसते होने वाली बातें किन्हें कहा है। आपके ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर, ए हंसी मजाक युक्त बात को, बी हंसकर कहने वाली बात को, सी खुशियों से युक्त बात को, डी दुखों से युक्त बात को। 5, 4, 3, 2, 1 जीरो। सही उत्तर है ऑप्शन सी, खुशियों से युक्त बात को। बच्चों कोई भी बात समझ में नहीं आ रही तो कमेंट करके पूछ भी सकते हो। प्रश्न नंबर 9, कवि किसका स्वप्न देखकर जाग गया था। कवि किसका स्वप्न देखकर जाग गया था। आपके ऑप्शन ए धन का, बी पारिवारिक जीवन का, सी स्मृतियों का, डी सुख का। आपके 5 सेकंड, 5, 4, 3, 2, 1 जीरो। सही उत्तर है ऑप्शन डी, सुख का। चलिए बच्चों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, सीवन उधेड़ना का अर्थ है। सीवन उधेड़ने का अर्थ बताना है। आपके ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर ये रहे, ए सीवन खोलना, बी टांके तोड़ना, सी जीवन के रहस्य जानना, और डी है सिलाई काटना। 5, 4, 3, 2, 1
जीरो सही उत्तर है ऑप्शन सी, जीवन के रहस्य जानना। चलिए बच्चों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, कथा शब्द का प्रयोग कवि ने किसके लिए किया है? कथा शब्द का प्रयोग किसके लिए किया है? आपके ऑप्शन ए कथा के लिए, बी अंतर्मन के लिए, सी इतिहास के लिए, डी आत्मा के लिए। 5 4 3 2 1 जीरो सही उत्तर है ऑप्शन बी, अंतर्मन के लिए। चले बच्चों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, कवि ने अपनी आत्मकथा को कैसी बताया है? कवि ने अपनी आत्मकथा को कैसी बताया है? आपके ऑप्शन ए महान, बी प्रभावशाली, सी भोली, डी चंचल। 5 4 3 2 1 जीरो सही उत्तर है ऑप्शन सी, भोली। चलिए बच्चों अगले प्रश्न की तरफ। कवि किसे याद करके दुखी था? कवि किसे याद करके दुखी था? आपके ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर ये रहे, ए अपने बचपन को, बी अपने वर्तमान को, सी अपने दुख भरे अतीत को, ऑप्शन डी पारिवारिक जीवन को। 5 4 3 2 1 जीरो सही उत्तर ऑप्शन सी, अपने दुख भरे अतीत को। चलिए बच्चों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, कवि की मौन व्यथा किस स्थिति में थी? बच्चों इसी तरह से आप अदर चैप्टर के एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन भी चाहते हैं तो उसका लिंक का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर मिलेगा। लिंक का नाम फ्री क्रैश कोर्स ऑफ 10th क्लास, इस नाम से लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर। कुछ इस तरह से आपको अदर चैप्टर्स के एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन भी यहीं पर देखने को मिल जाएंगे, वो भी एक ही पेज पर, आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो वो जरूर देख लेना लेकिन पहले इस क्वेश्चन का जवाब दो। कवि की मौन व्यथा किस स्थिति में थी? आपके ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर, ए जागृत दशा में, बी सोई हुई, सी बेचैन, डी शांत। आपके 5 सेकेंड, 5 4 3 2 1 जीरो सही उत्तर है ऑप्शन बी, सोई हुई। तो बच्चों ये है आपका रिपोर्ट कार्ड, ध्यान से देख लीजिए, पढ़ लीजिए। और हाँ, आपके टोटल मार्क्स कितने हैं ये कमेंट करना मत भूलना। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ध्यान से सुनो, आप इसी चैप्टर का रिटन टेस्ट भी देना चाहते हैं तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिलेगा सबसे ऊपर। लिंक का नाम वही फ्री क्रैश कोर्स ऑफ 10th क्लास, इस नाम से आपको एक लिंक मिलेगा जहां पर आपको कुछ इस तरह से आपको रिटन टेस्ट भी देखने को मिलेगा, तो इसको भी आप क्लिक करके रिटन टेस्ट दे सकते हैं। और अगर आपको मुझसे पर्सनल बातचीत करनी है तो सभी सोशल मीडिया के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आ जाइए बातचीत करते हैं। शुक्रिया, धन्यवाद।